क्योंकि पीने सेकंड कॉल भरा नहीं नहीं तो वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल सम पे देख लो, एंट्री चेक कर लो, पीडअप बाद में देखते हैं हम, लास्ट में करेंगे कैलकुलेट। एंट्रीज में देख लो व्हाट इज हैपनिंग, इश्यू इज ऑफ 10,000 शेयर्स, अप्लाइड आर ऑल्सो 10,000, इश्यू इज सब्सक्राइब्ड एट पार, ब्रेकअप वॉज 30, 30, 20 and 20. P was allotted 100 shares, did not pay the final call money. Is he paying allotment? Yes. Is he paying first call? Yes. Everything, everyone is paying. Ali ek hi defaulter hai. Kaun Mr. P? Jo kya nahi bhara? Final call. Acha. About shares, his shares were forfeited. All the forfeited shares were reissued at 90%. Ek hi defaulter tha, P. Usi ka shares cancel kiya. Usi ka shares रीइश्यू के, और रीइश्यू के बाद ये एक्स्ट्रा है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल, स्ट्रक्चर समझे, एवरीवन इज पेइंग एवरीथिंग, एप्लीकेशन में सब भर रहे हैं, अलॉटमेंट सब भर रहे हैं, फर्स्ट कॉल भी सब भर रहे हैं, कॉल सिनेरियोस किधर दिखेगा, सेकंड कॉल व्हिच एंट्री यू विल फाइंड कॉल कॉल फाइनल, उससे पहले कभी कॉल सिनेरियोस नहीं आया, उसके बाद फॉरफिट, फिर रीइश्यू और फिर कैपिटल, स्ट्रक्चर क्लियर है। Can you try it on your own? Yes. Go. Put it right. Put it down. Put it down. I'll solve it on board. I'll solve it on board. You can verify the answer. Don't talk. Short my narration leave. Narration and short. Don't write full narration. Short narration. Full narration nahi na. Last time. अमाउंट ध्यान रखना, फेस वैल्यू 100 थी, फर्स्ट एंट्री ट्वेंटी 10 lakhs ओवर कल्याण दादा 10,000 into 30. मल्टीप्लिकेशन में लिखा चले Don't talk, guys.
सर शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे?
You are asking some may shares are forfeited. जो लोग पैसा नहीं भर रहे हैं ना उनका शेयर कंपनी कैंसिल कर रहे हैं जब तक कैंसिल नहीं करेगा तब तक रीइश्यू नहीं कर सकते. कैंसलेशन इज अ ट्रांजेक्शन रिवर्सल ऑफ कैपिटल रिवर्सल है. अभी तुम्हारे पास कोई डेटर है जिससे पैसा नहीं आ रहा बैड डेट्स कैंसिल करोगे ना अकाउंट बंद करना पड़ेगा उसको पैसा जो पैसा नहीं दे रहा है उसका कैपिटल कैंसिल किया जीरो किया फिर वापस रीइश्यू किया ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करना है. बोर्ड में शीट का सब समझ गया तो बोल दिया ये आठ एंट्रीज में कोई डाउट ऑल ऑफ यू क्लियर श्योर व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट एट एंट्रीज यू हैव डन इट मेनी टाइम्स यस ताकि पिछले समय दो तीन डिफॉल्टर्स होते थे पी क्यू आर ऐसा ये समय कौन है डिफॉल्ट ओनली पी इज डिफॉल्टिंग एंड व्हाट इज इट डिफॉल्टिंग फाइनल वन. So everyone paid application, everyone paid allotment, everyone paid first call. First call तक कोई person arrears थे ही. सीधा second call के वक्त एक ही बंदा था Mr. P holding how many shares? 100. He did not pay the second call. So second call value was 20. 100 into 20, 2000 versus calls in bank में आ जाएगा 198,000. All of you clear? समझा यहाँ तक? Any doubts? बोलो. सिंगल डिफॉल्टर का ही समझा समझा यहाँ तक अभी नाइन्थ है सुनो. अच्छा यहाँ पे इस स्टेज पे आके कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल पहले कॉल्ड अप कैपिटल बोल दो इस स्टेज पे आफ्टर सेकंड कॉल व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल 10 lakhs. 9 lakh. कंपनी ने पूरा मांग लिया 30, 20 पूरा 100 मांग लिया इनटू व्हाट 10 गॉट इट. इफ आई टेल यू व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल आफ्टर एप्लीकेशन 10 lakh आफ्टर एप्लीकेशन 3 lakh एट दिस स्टेज व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल एट दिस स्टेज 3 lakh and at the last stage 10 lakh that is a called up capital understood. Mm. जो मांगा हो अब जो मिला that is called as paid up. Paid up मतलब जो भरा जो मिला that is paid up capital. What is the difference between called up and paid up? Called up मतलब मांगा और paid up मतलब actually जितना मिला. So what is that difference? That is called as arrears. So if you want to get paid up capital from your called up capital, you just need to subtract the calls in. Yes. Were there any calls and arrears at application? No. Okay.
So at this stage, what is your paid up capital? 3 lakhs. 3 lakhs. At this stage, what's your paid up capital? 6 lakhs. At this stage, what's your paid up capital? 8 lakhs. But at this stage, what's your paid up capital? 9 lakh 98. Why? Because 2000 bara. नहीं फाइनल कॉल पे 2000 का डिफॉल्ट हो रहा है ना तो फाइनल इस स्टेज पे पेड अप कैपिटल क्या होगा पेड अप इज नथिंग बट कॉल्ड अप व्हिच वाज 10 लाख माइनस कॉल्स इन अर्लियर 2000 दैट इज 9 लाख 98 कंफर्टेबल नाउ अगर कंपनी डिविडेंड दे रहा है थोड़ा काम चालू हो गया और डिविडेंड देने का सोचा तो डिविडेंड कौन से कैपिटल पे देगा पेड अप कैपिटल Not on called up, not on issued, not on subscribed. Dividend will be always given on paid up capital. Logic is simple. जो पैसा तुमने कंपनी को दिया उस पे तुमको डिविडेंड मिले तुमने अगर कम भरा है तो तुमको डिविडेंड भी कम मिलेगा सिंपल एज दैट सपोज कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड डिक्लेयर 10% ऑफ व्हाट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल इज दैट क्लियर समझा जो कॉल्स इन अरियर्स है वो क्या है पैसा तुमने नहीं भरा ना कॉल्स इन अरियर्स जो पैसा तुमने नहीं भरा तो तुमने भरा ही नहीं उस पर क्या डिविडेंड अगर तुमने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है कैपिटल कंपनी तुमको प्रॉफिट का शेयर क्यों दे आर यू गेटिंग इट तो बोलने का मतलब अगर इस स्टेज पे रुक गया कंपनी कैंसिल नहीं किया कॉल्स इन अरियर्स वैसे ही रखे हैं और काम चालू कर दिया प्रॉफिट्स हुए और डिविडेंड दे रहा है तो डिविडेंड किस पे देगा ओनली ऑन पेड अप कैपिटल कंफर्टेबल कर सकता है कंपनी फोर फीचर ना भी करे यही ऐसे ही रखे और काम चालू कर दे पॉसिबल क्योंकि शेयर्स तो सब्सक्राइब हो चुके हैं इट कैन रन द बिजनेस इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स आल्सो बट प्रॉफिट कौन से कैपिटल पे देगा तो ओनली ऑन पेड अप डिविडेंड कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट होगा पेड अप समझा लॉजिक कॉल्ड अप पे क्यों नहीं पेड अप पे क्यों जो पैसा तुमने दिया नहीं है उस पर तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा जो भरा हुआ पैसा उसी पे मिलेगा तो मिस्टर पी को थोड़ा डिविडेंड कम मिलेगा बोलने का मतलब समझा पी को 8000 पे डिविडेंड मिलेगा क्योंकि उसने 8000 रुपए भरे 100 × 80 भरे 8000 का 10% 800 रुपए मिलेगा नॉट 1000 10000 का 10% नहीं मिलेगा इज दिस क्लियर सो जितना भरा है वही कैपिटल पे कंपनी विल पे डिविडेंड कंफर्टेबल रिमेंबर दैट यहां तक का एंट्री समझा एक डिफॉल्टर कॉल्स इन अरियर्स फिर क्या उसको छोड़ रहे हैं कि उसके शेयर कैंसिल कर या कैंसलिंग योर शेयर्स वेरी नेक्स्ट लाइन देयर एवरीवन कैन यू सी दैट दे कैंसल्ड मिस्टर वी ऑल ऑफ द शेयर्स वेयर फोरफीटेड एंड ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट रुपीस 9 फोरफीचर भी किया कैंसिल भी किया वापस तुरंत रीसेल भी कर दिया सर फोरफीचर मतलब रीसेल नो फोरफीचर मतलब कैंसलेशन फोरफीचर मतलब कैंसलेशन रीइश्यू मतलब रीसेल पहले तो फोरफीट करना है आपने फोर फीचर एंट्री पास करना फोर फीचर एंट्री कल बताई थी याद है इक्विटी शेयर कैपिटल उल्टा करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो कॉल्स इन अरियर्स टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट याद है ये कल किया था शेयर फोर फीचर अकाउंट कैपिटल अकाउंट पूरे से डेबिट कैंसिल कर दे कॉल्स इन अरियर्स पूरे से क्रेडिट जितना पैसा आने वाला था अभी नहीं आएगा सो यू आर क्रेडिटिंग इट एंड टू शेयर फोर फीचर टू शेयर फोर फीचर मतलब जो पैसा वो लोग ने भरा था मिस्टर पी ने जो भरा था वो कंपनी वापस रिफंड नहीं करेगा अपने पास ही रख लेगा दैट बिकम्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी याद आया ये सो दैट इज दैट फोर फीचर एंट्री बैलेंस शीट फॉर्म में मैंने बताया भी था इफ यू रिमेंबर दिस इज द लायबिलिटी दिस इज द एसेट लेट अस से वी आर कंसीडरिंग ओनली मिस्टर पी मिस्टर पी का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज तो मिस्टर पी का खाली देखना है अगर सीन बैलेंस शीट में क्या हो रहा है बाकी सबका तो क्या है सबने सब भरा है पी को छोड़ के बाकी सबने एवरी मनी देयर पेड सो बैंक कैपिटल खाली हो रहा है खाली मिस्टर पी का सीन देखे एक शेयर पे फेस वैल्यू वॉज 100 उसने भरा कितना तो ही पेड एप्लीकेशन ही पेड अलॉटमेंट ही पेड फर्स्ट कॉल सो 30 + 30 = 60 + 20 = 80 रुपीज ही हैज पेड सो बैंक में जाएगा उसका 80 और 20 रुपीज ही हैज नॉट पेड दैट इज हिज कॉल्स इन वो मिलना बाकी दैट इज हिज 20 दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओनली मिस्टर पी का एक शेयर
सेम इनटू 100 करोगे तो 100 का मिलेगा, समझा? तो एक शेयर का ये सीन है। अभी हम कैंसिल कर रहे हैं, नाउ वी आर कैंसलिंग। कैंसलिंग मतलब कैपिटल जीरो किया, क्रेडिट किया था 100 से, अभी डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर। ओके, टू कॉल सिनेरियोस। व्हाट इज दिस कॉल सिनेरियोस? जो आना बाकी था अब नहीं आएगा, तो क्रेडिट किया और उसको भी जीरो किया। दिस वॉज एसेट सो यू क्रेडिटेड टू मेक इट जीरो। दिस वॉज लाइबिलिटी सो यू डेबिटेड टू मेक इट जीरो। दिस वॉज बैंक, इफ यू हैव क्रेडिटेड बैंक यू हैव रिफंडेड द मनी, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन। कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड इट, सो व्हाट विल द कंपनी डू? इट विल ट्रांसफर दैट मनी टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इट विल ट्रांसफर दैट मनी टू शेयर फॉर, गिव द बैंक इन दैट, यू राइट योर शेयर फॉर फ्यूचर, दैट्स योर प्रॉफिट। 80 rupees इज द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। हड़प लिया। इज दिस क्लियर? अमाउंट कैसे लिखना है? कैपिटल में फुल फेस वैल्यू। व्हाट वाज द फेस वैल्यू? 100 Into how many shares? 100. How many shares are we cancelling? P shares we are cancelling, right? How many shares of P? 100 shares. So how much you write in capital? 100 into 100. That's I think 10,000. You got it? 10,000 rupees we are cancelling the capital. Idhar ek share ka example tha. Into whatever the number of shares you do. Are you getting it? So 100 into 100. 10,000 is the capital. Nullify kiya. Debit kiya. Zero ho gaya capital. टू कॉल इन अरे जो आने वाले थे नहीं आएंगे, उसको भी नलिफाई किया। 2,000 विल गो टू योर प्रॉफिट। नरेशन लिखना था फोर फ्यूचर ऑफ 100 shares ऑफ मिस्टर पी। फोर फ्यूचर ऑफ 100 shares ऑफ पी एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर .. दैट रिमेन्स। फोर फ्यूचर ऑफ 100 shares ऑफ पी। कंफर्टेबल? गॉट दैट? अभी यहाँ पे रुक नहीं रहा है कंपनी, कैंसिल तो किए, उसके बाद क्या कर रहा है? री इश्यू भी कर रहा है। कंपनी इज री इश्यूइंग द शेयर्स, अगेन री इश्यूइंग द शेयर्स। कितने शेयर्स री इश्यू करेगा कंपनी तुम्हारे हिसाब से? हाउ मेनी शेयर्स आर री इश्यू? नंबर ऑफ शेयर्स 100 shares ना, जो कैंसिल किए वही री इश्यू। एक ही मिस्टर पी के शेयर्स जो कैंसिल हुए वापस री इश्यू। री इश्यू भी 100 शेयर्स हो रहे हैं, दैट इज 100 shares इनटू 90। ओके, व्हाट इज द री इश्यू प्राइस? 90। व्हाट वाज द फेस वैल्यू? 100। 100 रुपए का शेयर था, 90 में री इश्यू हो रहा है, हमेशा कम प्राइस पे होगा, बताए 10 रुपया क्या है लॉस? व्हाट द फेस वैल्यू? 100 इज द फेस वैल्यू, 90 इज द इश्यू प्राइस। So what is the loss? 10. Who will put that loss? कहाँ से देगा कंपनी? Shareholders. What entry you pass for reissue? Bank. Share for feature. To equity share capital. समझा? अभी किया ना हमने? Bank share for feature to equity share capital account. How many shares are we reissuing? 100. 100 into bank में कितना आएगा? पैसा कितना ले रहे हो? 90. बैंक में आएगा 100 into 90। लॉजिक क्लियर है इसका? नए शेयर होल्डर को बोला कि तुम 9,000 रुपया भरो, लेकिन कैपिटल कितना रहेगा तुम्हारा? 10। सो 1,000 रुपया कंपनी अपने जेब से डाल रहा है। तू शेयर कैपिटल कितना लिखोगे? तो 100 into 100, फेस वैल्यू 100, तो 100 नहीं तो 10 लिख देते हैं। 10,000 लॉस इज ऑफ 1,000। समझा कि नहीं? बोलो। और इफ यू गॉट दिस, अभी लास्ट समय में फर्क क्या होगा? 10 rupees फेस वैल्यू था, इधर 100 rupees, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब सेम। री इश्यू का नरेशन शॉर्ट में लिख दो, री इश्यू ऑफ 100 shares ऑफ 100 each एट 90। री इश्यू ऑफ 3 shares ऑफ 100 each एट 90 एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेट। लास्ट पार्ट, वेन एवर यू री इश्यू इमीडिएटली यू नीड टू पास दैट एक्स्ट्रा एंट्री। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा एंट्री? ट्रांसफर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व। यू ट्रांसफर दैट टेम्पररी रिजर्व टू अ परमानेंट शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, नाउ थिंक एंड टेल मी, हाउ मेनी शेयर्स हैव यू कैंसल्ड? हाउ मेनी शेयर्स हैव यू री इश्यू? सेम है, डायरेक्टली यू कैन कंपेयर, कोई झंझट नहीं। ओके, पी का लॉस, पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस,
इधर कोई और था ही नहीं, यही था। पी का प्रॉफिट कितना है? 7,000 माइनस 7,000 सिंपल। ऑल ऑफ यू क्लियर? पीस प्रॉफिट माइनस पीस लॉस। इधर क्यू आर कोई थे नहीं, 8,000 माइनस 1,000 7,000 ट्रांसफर। सिंपल, अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट? इधर सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस या पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस एक ही चीज। देयर वाज ओनली वन वन डिफॉल्ट। नरेशन लिख लो, ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिस्क। ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व एज पर board resolution number and dot. Amount transferred from share for future to capital. Is that clear? इस सब में पीना पीना का टैक्स इसलिए सब उसने अलॉटमेंट नहीं सपोज यहाँ पे पी के कितने शेयर्स थे? 100। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ पी वेयर देयर? 100। और रीइश्यू भी कितना किया? 100। कैंसिल भी 100, रीइश्यू भी। सपोज रीइश्यू 50 शेयर्स, रीइश्यू 50 शेयर आधा ही होता, तो ये रीइश्यू एंट्री कितने शेयर्स की होगी? 50 × 90 = 4500, 50 × 10 = 500, 50 × 100 = 5000. देन हाउ मच विल यू ट्रांसफर शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल? विल यू ट्रांसफर 7000? नो नो, देन हाउ मच? 3500 7500 लॉस कितना है? 500 और प्रॉफिट 8,000। प्रॉफिट 8,000, कैन यू कंपेयर 8,000 विथ 500? वाई? बिकॉज़ वो 100 शेयर्स का है। सेम लॉजिक, जितना फोरफिट किया उतना ही रीइश्यू किया तो कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो इसका भी हाफ हाफ कर, क्योंकि ये 100 शेयर्स का प्रॉफिट, तो 50 का प्रॉफिट कितना होगा? 4,000। 3,500। गॉट इट? सी सेम फंडा इट, पी का पूरा रीइश्यू होता तो पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, पी का आधा ही रीइश्यू है तो पी का आधा प्रॉफिट माइनस पी का आधा लॉस। सो ओवर हियर आधा ही प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच? 4,000 माइनस 5, दैट विल बी 3,500। क्योंकि अभी भी आधे शेयर्स बाकी है ना रीइश्यू करने के, तो वापस कुछ लॉस होगा, इसको बचाने के लिए फोरफ्यूचर अकाउंट चाहिए अपने। So you cannot transfer full money, you got it? Proposed comparison must be of same shares, that you keep it in mind. जितना cancel हुआ उतना ही reissue का comparison करना। 100 cancel किया तो 100 reissue किया, 100 के साथ 100 compare करना। 100 cancel किया, 50 reissue किया, तो 50-50 को compare करना। 50 का profit minus 50 का loss, 25 से reissue किया तो 25 का profit minus 25 का loss, same shares होना चाहिए। Is that clear? मस्ती मत करो अभी, अननेसेसरी का लेक्चर रिलेटेड एक्सटेंड होगा। लिसन नाउ, प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, वी कम टू द न्यू कैटेगरी ऑफ शेयर्स स्टॉकिंग। Listen, what are preference shares now? Preference shares are another category of shares, okay? But they are shares. Company के पास है ना 3-4 options होते हैं पैसा रेस करने के। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, पब्लिक से रेस किया जो।
दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी पब्लिक से रेज कर सकता है। तीसरा होता है लोन्स, लोन ले सकता है बैंक वगैरह में से। ओके, जैसे सोल प्रोप्राइटर खुद का पैसा डालता है या लोन लेता है, वैसे कंपनी भी खुद का पैसा ले सकता है या लोन ले सकता है। तो ये जो शेयर कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज ओनरशिप कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज ओनरशिप, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड जो लोन किया बोरो, दैट इज अ बोरोड मनी, दैट इज नॉट कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो लोन चुकाना पड़ेगा, वो कंपनी के ओनर्स नहीं है, वो कंपनी के क्रेडिटर्स है। जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप करते हैं वही कंपनी भी करता है, लेकिन कंपनी के पास और ऑप्शंस भी हैं। मतलब क्या है, वही शेयर कैपिटल है ना, दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों शेयर कैपिटल है, दोनों ओनर्स ही है कंपनी के। ओके, लोन्स भी बोरो कर सकता है बैंक से, तो वो लोन हो गया। लोन के जगह डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकता है, क्या इश्यू कर सकता है, डिबेंचर्स। तो जैसे शेयर्स इश्यू करता है ना पब्लिक में, वैसे डिबेंचर्स भी पब्लिक में इश्यू कर सकता है। जो पब्लिक शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, जो पब्लिक डिबेंचर्स खरीदता है वो लोग डिबेंचर होल्डर्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? फर्क क्या है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द लोन गिवर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स। तो अगर तुमने डिबेंचर खरीदा किसी कंपनी का तो तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, तुम्हें इंटरेस्ट देगा कंपनी, उसका मतलब तुमने छोटा सा लोन दिया। यस, कंपल्सरी, ऑलवेज कंपल्सरी, लोन ही है वो, खाली बैंक से लिया तो लमसम अमाउंट में लेगा, डिबेंचर्स में वही लोन को टुकड़े में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे लोगों में वो लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सबको इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा कंपनी, बट कंपल्सरी, वेदर इट मेक्स प्रॉफिट वेदर इट मेक्स लॉस, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। डिविडेंड ऐसा नहीं है, डिविडेंड लॉसेस में नहीं दे सकता है कंपनी, डिविडेंड विल बी गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट किया तो वही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, माइट हैव लर्न्ड अंडर ओसी में भी थोड़ा सा एसपी में किया होगा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, हु इज द रियल ओनर, इक्विटी, इक्विटी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग परमानेंट, ओके, जो रियल ओनर है, एक्चुअल ओनर है कंपनी का, वो कौन है, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर। तो डिसीजन मेकिंग राइट्स किसके पास है, वोटिंग राइट्स किसके पास है, तो इक्विटी शेयर होल्डर। एजीएम्स में वोट कौन करता है, तो इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वाई सो, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, दे आर अल्टीमेट रिस्क बेयरर्स एंड अल्टीमेट गेनर्स ऑफ फ्रॉम द कंपनी। मतलब कंपनी जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स करता है दे बिलोंग टू इक्विटी शेयर, whatever losses it does it belongs to equity share। preference share holder का dividend rate is fixed, preference share holder का dividend rate is fixed, let us say there is 10% preference share, there is 12% preference share, 11% preference share, वो prefix में रहता ही है, it means कि 10% preference share है तो